व्हाट अ फंटास्टिक वेदर, मौसम बहुत ही बढ़िया हो चुका है सुबह से। हालांकि बारिश हो रही थी और मैं निकलने की कोशिश कर रहा था पर निकल नहीं पाई। ये देखिए कुछ ये अम्फान तूफान का यहाँ पर असर दिख रहा है। सो अम्फान की वजह से सारे पेड़ बिखरे पड़े हैं यहाँ पर। आगे और भी है शायद इस रास्ते में। काफ़ी तूफान ने तबाही मचाई थी यहाँ पर। बहुत सारे पेड़, घरों के छत और शेड्स उड़ चुके थे यहाँ पे। वेल गाइस, लॉकडाउन के बाद ये मैं करने वाला हूँ आज पहला राइड। काफ़ी समय हो गया मुझे राइड किए हुए। लास्ट ब्लॉग में जो मैंने डाला था वो था दीघा का, और उसके बाद से हम कहीं भी नहीं गए हैं। मेरी प्लानिंग थी 20 मार्च को हम लोग जाने वाले थे रांची। सो एक लंबी ट्रिप थी बट वो हो नहीं पाई, और उसके बाद 23 मार्च से लॉकडाउन चालू हो गया। तो आज मैं कर रहा हूँ एक छोटी सी राइड और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस राइड को लेकर। और ये आ गया फाटक, रुकते हैं यहाँ पर, वेट करना पड़ेगा मुझे। इसे क्रॉस करते हैं, फिर मिलेंगे हाईवे पे दोस्तों। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस डूइंग वेल। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइस मौका मिला है आज एक छोटी सी राइड करने की। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिनों से घर पे कैद थे हम लोग, मेरी गाड़ी, मैं, आप सभी कैद थे। तो आज मौका मिला है एक छोटी सी राइड करने का। तो मैं बहुत कोशिश किया कि मैं सुबह उठूंगा और राइड पे जाऊंगा, बट यू नो एज यूजुअल बहुत देर हो गई उठने में। और सुबह उठने के बाद क्या देखता हूँ कि सुबह से बारिश हो रही है, धीरे धीरे बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार, नहीं करता हूँ। पर इतने दिनों के बाद डिसाइड किया था कि आज एक राइड करना है, करना है, करना है, तो किया जाए। मैंने दोनों मुनों में बहुत सोचा, बहुत सोचा। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जो भी हुआ आज एक राइड तो बनती है यार, करना ही चाहिए। तो मैंने मूड बना लिया कि यार दोपहर के बाद मैं निकलूँगा राइड पे, चाहे बारिश हो या ना हो, कुछ भी हो। तो आफ्टर ऑल दोपहर के बाद मैंने देखा कि बारिश रुक गई है, तो मैं रेडी हुआ, कैमरा सेटअप किया और निकल पड़ा। रुमाल बांधा है मैंने मास्क के तौर पे, मैंने मास्क भी ले रखा है अपने साथ में, दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने मास्क भी ले रखा है, जरूरत पड़े तो जब मैं हेलमेट उतारूँगा तो मास्क पहनूंगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है गाइस। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप जहाँ भी जाओ, कुछ भी करो, मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है। अभी जितनी भी प्रिकॉशन हो सके आप लीजिए, तो कुछ खा भी नहीं सकता हूँ, बहुत रिस्की है। तो वेल, चलता हूँ आगे और इंजॉय करता हूँ अपनी राइड को। बहुत मज़ा आ रहा है वेदर गाइस, इतने दिनों के बाद नो ऐसा लग रहा है कि एकदम फ्री हो गया हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइस, एक सुकून की सांस ले पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है बहुत सारी ऑक्सीजन मिल रही है मुझे। यू नो दीघा राइड के बाद मैंने कोई भी राइड नहीं किया है, उसके बाद हो गया 23 मार्च लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद से बिल्कुल भी कहीं जाना आना बंद। और ये आज फर्स्ट टाइम है जब मैं अपनी बाइक को निकाला हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना संडे एक छोटी सी राइड की जाए संडे मॉर्निंग को, बट अनफॉर्चुनेटली सुबह उठ नहीं पाया। देख सकते अभी मौसम कुछ अजीब सा है, अभी भी बादल छाए हुए हैं चारों तरफ, बट बारिश रुक गई है। तो मैंने देखा कि समय अच्छा है, क्यों ना निकला जाए। बस क्या, पैक किया सारा सामान और निकल पड़ा छोटी सी राइड के लिए। वो बहुत अच्छी फील आ रही है गाइस, इतना मस्त मौसम हो गया है आफ्टर रेन, ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। और क्लाउड तो देख ही रहे हैं आप। समय हो रहा है 4:45 और मौसम में बहुत ही सुहाना, लेते हैं राइड का मजा छोटी सी। Awesome man, सच में गाइस बाइकर को ही पता है बाइकिंग का क्या मजा है। घर में बैठे बैठे काफी डिप्रेशन हो रहा था, काफी टेंशन हो रही थी, जैसे ही बाइक हाथ में आई, थ्रोटल मिला, सारा का सारा टेंशन यू बोलो छू। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So guys, मैं drive करते हुए पहुंच गया रानी हाटी टोल. मैं और थोड़ी दूर जाऊंगा यहाँ से, उसके बाद मैं वापस यू टर्न लेकर घर. आकाश में बादल छाए हुए हैं, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है. तो भाई साहब, थोड़ी सी छोटी सी राइड पर मज़ा बहुत आ गया मुझे. और इसके साथ ही मैं प्लान कर रहा हूँ कि कहीं एक अच्छी वाली राइड की जाए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो. लेट्स सी कि कैसा चलता है आगे माहौल. गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है मुझे यहाँ पर. जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने हेलमेट में एक नया कैमरा माउंट किया है. यह है एचकेएम 6 लेजेंड. और एक छोटी सी राइड मैं कर रहा था, ऑलमोस्ट ये एक घंटे की भी नहीं हुई होगी, और मैंने कैमरा बहुत कम यूज़ किया है अभी. और मैं क्या देखता हूँ कि कैमरे की बैटरी डाउन हो चुकी है पूरी. बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ये. अगर मैं लॉन्ग राइड पर इसको लेके जाता हूँ तो मुझे बार बार बैटरी बदलनी पड़ेगी, या तो फिर कुछ इसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा. अभी क्या करना है, तो मैं इसे रिकॉर्ड तो कर नहीं पाऊंगा. तो लेट्स गो बैक होम. और बस इतना ही था आज के लिए.